अंग्रेजी हुकूमत को प्रति अपनी वफादारी दोहराई। आगे अभी भी बहुत कुछ है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। एक चीज उनकी है देशभक्ति का चिट्ठी, और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और उसके बाद में 97 में गोलवलकर गुरुजी भी उनके संघ के जो ये है उन्होंने ही ये बताया ये कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं। ये तो उनका दृष्टिकोण है कि भारत में ब्रिटिश राज सत्ता का विरोध कर रहे हैं, फिर हम विरोध नहीं कर रहे तो कौन करना चाहिए। तो हर चीज को एक एक, अगर उसी वक्त बिपिन चंद्र बोस ने भी ये कहा कि ये जो है उन्होंने बात कही है और वो आरएसएस के लोग कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, और उसके बारे में उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा, वायदा किया कि संघ के सदस्यों को अधिक से अधिक संख्या में सिविल इन इंडिया ये लिखी है, उसमें उन्होंने ये बताया कि अपना ये किस ढंग से आरएसएस वाले उस वक्त ब्रिटिशर को चिट्ठियां लिखते थे, नेताओं ने आरएसएस की ओर से बॉम्बे के गृह विभाग के सेक्रेटरी से मुलाकात की, होम डिपार्टमेंट ने इस बैठक के संबंध में एक नोट लिखा जिसके अनुसार अभ्यंकर ने आरएसएस की ओर से यह आश्वासन दिया कि वे सरकार द्वारा जारी निर्देशों और प्रतिबंधों का पालन करेंगे। ये है, आगे भी है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ये हर एक आरएसएस के नेताओं की मानसिकता है। उसके बाद में उनके जो भी बातें हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ और राष्ट्र के खिलाफ उन्होंने किया है, और उनको कोई हक नहीं है कि कांग्रेस के देशभक्ति के बारे में उन्होंने बात करे और देश उठ रहा है। देश यही मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के 13.5 साल उन्होंने ये बात कही कि जो भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसमें 50% टैक्स स्टेट को मिलना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा मेरी गुजरात गवर्नमेंट 48,500 करोड़ टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को देती है, लेकिन उसमें से सिर्फ हमको 2.5% मिलता है, तो इसलिए टैक्स देना बंद करो। उनका ट्वीट भी है 60,000 करोड़ गुजरात भेजती है दिल्ली को, उनको कुछ नहीं, वही है मेरे पास 48,000 बोलते है, ठीक है। तो ये मानसिकता उनकी है, और उन्होंने देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, पैसे नहीं दिए तो अरे तुम खुद ही बोले, उसका सीड आपने डाला। और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा
कि एक तरफ टैक्स मत दो बोले, एक तरफ 50% दो बोले, दूसरे तरफ हमको 2.5 अगर वहां से मिलता है तो ए स्टेट के साथ बेमानी है। अब बेमान कौन कर रहे? आप सबसे कम पैसा कर्नाटक को दे रहे, तमिलनाडु को दे रहे, केरला को दे रहे, तेलंगाना को दे रहे, और जहां आपकी गवर्नमेंट नहीं है वहां पर कम पैसा, और जहां पर आपकी गवर्नमेंट है वहां मनमानी दे रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।